एम्बैरेसिंग लॉस। बांग्लादेशी एक अच्छी टीम है, कोई बुरी टीम तो नहीं है। सो उन्होंने फेंटा लगाया इंडिया को, ठीक ठाक ना फेंटा लगाया। कुछ थोड़ा बहुत सुकून हुआ होगा पाकिस्तानियों को, आया होगा मेरे समेत, क्योंकि यहाँ पे कि इंडिया हैज लॉस्ट द गेम एटलीस्ट फ्रॉम बांग्लादेश। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। शे बत्तर साले कोलकाता के क्लबों में नंगे नाचने वाले, कल तू कह रहा था ना कि इंडिया फाइनल हार जाएगा, इंडिया फाइनल जो है वो हार जाएगा, इंडिया को एम्बैरेसिंग लॉस मिला बांग्लादेश से, तूने वीडियो बनाई, तूने जान के इंडियन लोगों को तंग करने के लिए तूने सबसे पहले वीडियो एक अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट की एक मिनट की, जिसमें तूने मजाक उड़ाया इंडिया एम्बैरेसिंग लॉस बांग्लादेश से, फिर तूने चेजा और लेने के लिए, फिर अपने यूट्यूब के ऊपर फिर चेजा लेने के लिए वीडियो बनाई कि इंडिया फाइनल हारेगा, इंडिया फाइनल वन सीरीज हारेगा, ये करेगा वो करेगा। और शे बत्तर साले गन्ने का जूस पीने वाले, कोलकाता के क्लबों में नंगे नाचने वाले, इंडिया की कमाई करने वाले, स्टार स्पोर्ट्स से पैसे कमाने वाले, जब तुझे पाकिस्तान में कोई बंदा काम नहीं था देता, तुझे स्टार स्पोर्ट्स ने काम दिया, और तू आके इंडिया के ऊपर बातें करेगा, तू है कौन? अगर तू इतना ही कोई था तो पाकिस्तान में आज तक तुझे कोई बंदे ने काम क्यों नहीं दिया? आज तक तू नल्ला क्यों, नल्ला बेरोजगार फिर रहा तू? बातें कर रहा था कल तक कि इंडिया फाइनल हारेगा, इंडिया वन सीरीज फाइनल जीता है, मोहम्मद सिराज ने शटअप काल दिया तुझे, लानत भेजी है दोनों हाथों से तेरे मुंह के ऊपर, बताया तुझे कि बातें करने से कुछ नहीं होता, परफॉर्म करना पड़ता है। बड़ा उस दिन कह रहा था ना कि एम्बैरेसिंग लॉस बांग्लादेश से, ये वो, ये इंडिया वो अपना कॉन्फिडेंस खो जाएगा, इंडिया का इंडिया ये हो जाएगा, इंडिया के साथ वो हो जाएगा वगैरह वगैरह। इंडिया 50 पे ऑल आउट किया बांग्लादेश उसको, श्रीलंका को फाइनल में इस श्रीलंका से पे हमारा घंटा, और इस श्रीलंका से हमारा घंटा बाबर आजम, इस श्रीलंका से मेरे घंटे, और मेरे घंटे इस श्रीलंका से हारा तू, और मेरा घंटा इस श्रीलंका से हारा, मेरे घंटे का किंग, और मेरे घंटे इस श्रीलंका से तू हारा था ना, आज इंडिया ने उसको 50 में ऑल आउट करके 10 विकेट से ठोक दिया। एशिया कप का फाइनल था, और ये क्या हुआ कि मतलब ये इंडिया ने कैसी बॉलिंग कर दी कि 50 पे ऑल आउट हो गया लंका? क्या था कि आज लंका 50 पे आउट हो जाएगा और इंडिया एशिया कप जीत जाएगी? नहीं, ये नहीं सोचा था कि देंगे 200-250 का टारगेट, लेकिन यार ये तो वो है जो सोचा नहीं था। हमने सोचा था जिस तरह पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ है ना, श्रीलंका का और इंडिया का उसने टक्कर का मुकाबला, इंडिया की तो बॉलिंग अनबिलीवेबल आज हुई है, मतलब कितनी खतरनाक बॉलिंग, बॉलर अपने आप पे मेहनत करे तो वो भी सारे खतरनाक है, जो जो खुद पे मेहनत करेगा खतरनाक होता जाएगा। 50 रन पे आउट कर दिया, कभी सोचा था लंका 50 पे आउट होगी? ये सोच है भाई, ये हमने क्या इंडिया की, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि 50, सबने ये सोचा था खतरनाक होगा बिल्कुल यार। बस आज श्रीलंका ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, बिल्कुल बुरी तरह जो है ना वो हारा है, बिल्कुल फाइनल का मजा ही नहीं आया। हमने आज देखना था कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलने का जो अंदाज था, हमने कहा कि चलो इंडिया के सामने भी वैसे खेल लेंगे, लेकिन आज बिल्कुल कोलैप्स कर गए, बिल्कुल मजा नहीं आया फाइनल का। बिल्कुल आपकी बात सही, ऐसे लोगों के मुंह भी बंद कर दिए हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया की बी नहीं बल्कि सी टीम की जो शिकस्त हुई थी उस पर इंडिया की टीम को ट्रोल कर रहे थे। सबसे पहला नाम आता है शोएब अख्तर साहब का। शोएब अख्तर का आपको मालूम है कि जब इनको स्टार स्पोर्ट्स वाले मुंह लगाते थे तो ये डेली जो है वो इंडिया की बड़ी तारीफें करते थे, स्पेशल वीडियोस बनाते थे, लेकिन जब अब जो है स्टार स्पोर्ट्स वालों ने मुंह लगाना छोड़ा हुआ है तो शोएब अख्तर साहब इंडिया की टीम पर अपना जो बढ़ास है वो निकालते रहते हैं। पिछले मैच में जब जो है वो इंडिया की टीम बांग्लादेश से हारी, बच्चे को मालूम था कि इंडिया ने एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, और जो सारे मैन बॉलर मैन बल्लेबाज जिन्होंने इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया उन सबको रेस्ट दी गई है। शोएब अख्तर को भी ये चीज मालूम थी, लेकिन जब इंडिया की शिकस्त हुई बांग्लादेश के खिलाफ तो शोएब अख्तर ने आके जो है वो इंडिया को बड़े ताने मारे और इंडिया की टीम के ऊपर बड़े बड़े जो है वो बुरे बुरे कमेंट्स किए। शोएब अख्तर ने कहा कि इंडिया की टीम एक्सपोज हो गई है, इंडिया को जो है वो एम्बेरिसिंग शिकस्त हुई है, इंडिया को बांग्लादेश ने जलील करके रख दिया, इससे बुरी शिकस्त मैंने कभी देखी नहीं। यानी कि बड़ी बड़ी बात है, इंडिया की बॉलिंग के हवाले से बात की, इंडिया की बैटिंग के हवाले से बात की, और फिर शोएब अख्तर ने ये प्रिडिक्शन की थी कि मैं यहां पर जो है बैठ के आपको कह रहा हूं कि श्रीलंका भी इंडिया को शिकस्त देगा, क्योंकि श्रीलंका से जीतना इंडिया के लिए खाला जी का घर नहीं है, श्रीलंका इंडिया को बुरी तरह से हराएगा। ये शोएब अख्तर के अपने अल्फाज थे, और आज आप देख लें कि क्या हुआ, खाला जी का घर था या नहीं था, इंडिया ने श्रीलंका को 50 स्कोर पे उनके घर में ऑल आउट कर दिया। सिराज ने इंडिया जो श्रीलंका